ये डराओ मत हमको, तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते, हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं। आज मीडिया ने पूछा राज्यसभा के इलेक्शन में क्या होगा, आपके दो एमएलए हैं मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह, तो मैंने कहा जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवाइन खाना, मगर ये लोग बोलेंगे नहीं नहीं तुम आना हमारे पास, हमारे पास दो रास्ते, तुम बात करो बात करेंगे, नहीं करते घर में बैठेंगे हम आराम से। ये जमाना चले गया हमारे का नहीं आना, कोई आएगा नहीं तुम्हारे पास, ये डराओ मत हमको, तुम बीजेपी से हम ही तो मुकाबला कर रहे, तुम क्या मुकाबला कर रहे बीजेपी से? हमारा घर बर्बाद हो गया बीजेपी से मुकाबला करते करते, हमारे बच्चे जेलों में चले गए बीजेपी से मुकाबला करते हुए, हमारे घरों को दुकानों को तोड़ दिया गया क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हमको गाली दी गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई क्योंकि हम बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं, हमारे बाप को मारा गया मॉब लिंचिंग की गई क्योंकि उसका मजहब इस्लाम था। आपको क्या हुआ? आप तो दूर बैठकर तमाशा देख रहे हैं, आप तो मेरी खबर पर मरने पे एक बात आकर दो फूल चढ़ाकर बोलेंगे मरने वाला अच्छा आदमी था। मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनको फैसला करना है।